मंचूरियन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। हम यहाँ पानी है जो हल्का गर्म यूज कर रहे हैं, गुनगुना पानी, जो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे गूंथेंगे। यह हमारा डो रेडी हो गया है, इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। मैंने डो को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं किया है और ज़्यादा टाइट रखा है। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। मैंने कुछ लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है, इसे हम डाल देते हैं। साथ में चॉप्ड मिर्च को भी डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे ऑनियन, वन स्मॉल ऑनियन चॉप्ड। प्याज को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम गाजर, चॉप्ड गाजर, कैरेट, स्मॉल साइज कैप्सिकम चॉप्ड। साथ में ही डाल देंगे कैबेज चॉप्ड है, ये से मैंने 2 कप लिया है। इस फिलिंग को हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। सब्जियां हमें क्रंची रहना चाहिए। फिलिंग को आप बिना फ्राई किए ही बना सकते हैं, ऐसे ही फ्राई करने से फिलिंग का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पाउडर की टेस्ट सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 में डाल देंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ, उसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिलिंग को हम क्रंची ही रखते हैं, इसे हमारा मोमो है तो टेस्टी लगता है। हमारा फिलिंग ये रेडी हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। 15 मिनट हो गया है, इसे एक और अच्छी तरह से इसे गूंथ लेते हैं। इस डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, इसे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आप मोमोज के साइज के अनुसार से बॉल बना लें। अब हम इसे बेलेंगे। हम एक बॉल लिए, इसे पूरी की तरह बेल लेंगे, हम जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेलेंगे। इसमें हम फिलिंग को डाल देते हैं, साइड साइड फिंगर की हेल्प से हम इसे पानी डाल लेते हैं। अब इस तरह से इसे हम दबा देंगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। इस तरह दबाने के बाद हम इसे थैली पे ले लेते हैं, सबको हम इसे मोड़ लेते हैं। इस तरह से मोदक को मोड़ते हैं। बीच में दबा देंगे और साइड साइड से इस तरह से डिजाइन दे देंगे। इस तरह से हमारा मोमोज रेडी हुआ है। बहुत तरीके से मोमोज का डिजाइन दिया जाता है। मैंने
मैंने एक पूरी साइज का और बेल लिया है। साइड में रखेंगे फिलिंग्स को, साइड साइड पानी में लगा देंगे और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे, फिंगर की हेल्प से दबा देंगे, इस तरह से उठा लेंगे और ये दोनों किनारों पे हैं जो है साथ में जोड़ देंगे। दूसरा डिजाइन बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही इजी डिजाइन है। मोमो का जो सिंपल डिजाइन है उसे मैं बता रही हूँ। फिलिंग डालने के बाद साइड साइड पानी मिला लेंगे, ऐसे उठा के हम हथेली पे रख लेंगे, इस तरह से दबाएंगे, दूसरा भी इस तरह से दबाते जाएंगे। इस तरह से दबाते हुए सबको मेजर इकट्ठा कर लेंगे। सिंपल मोमोज डिजाइन बन के रेडी हो गया है। मैं आपको तीन तरह के डिजाइन बताई हूँ, इस तरह से कलश के टाइप का, ये सिंपल, अब जो आपको पसंद हो आप बना ले सकते हैं, बाकी को भी इसी तरह से हम बना लेते हैं। अब हम स्टीमर में डालने के लिए इस तरह से जायदार बर्तन लिए हैं और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम जो मोमोज बना के रखे थे थोड़ा सा डिस्टेंस पर इसे रख देंगे। इस तरह से चिक्स मोमो इसमें आया है, उसके साइड मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और स्टीमर में डाल देंगे। आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं और इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। 10 मिनट हो गया, इसे हम पराठा खाते हैं। हमारा मोमो देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है। ये मोमो को बाहर निकाल लेंगे और बाकी मोमोज को इसमें हम डाल देंगे। अब हम मंचूरियन बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और डाल देंगे चॉप्ड ऑनियन, इसे मैंने लंबे लंबे काट लिया है। अब हम डाल देंगे ग्रीन कैप्सिकम, जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब अपने अनुसार से पीसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने कुछ पत्ता गोभी के पीसेस को इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिए हैं। मंचूरियन को हम हाई फ्लेम से बनाते हैं। आप कैप्सिकम रेड और येलो को कुछ डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्ट, सॉल्ट हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है। वन बाय फोर टी स्पून ब्लैक पेपर, टू टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टी स्पून रेड चिली सॉस, 2 टी स्पून सोया सॉस, सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैंने 2 टी स्पून इसे लिए कॉर्नफ्लोर, ऐसे मैंने हाफ बॉल पानी में से मिला लिया है। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर जरूरी है, इसे डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा हम पकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ बॉल पानी। इसे अच्छी तरह से मिला के इसे हम बॉइल होने देंगे। इसमें डालते हैं 1 टी स्पून विनेगर, ग्रेवी जो बॉइल होने लगे स्टेज पर डाल देंगे मोमोज। उसे सेकेंड के लिए से पका लेंगे। अब हम लास्ट में डाल देते हैं कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड। अब ग्रेवी को अपने अनुसार से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं।
देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा है मेरी ग्रेवी, ये सब के लिए रेडी है। इस फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा माउथ वाटरिंग मंचूरियन मोमोज बन के रेडी हो गया है। इसे आप घर पर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगी तो दिए गए लिंक पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा।